हेलो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है सारे SBI के कस्टमर्स के लिए। अब दोस्तों, SBI के मेजॉरिटी कस्टमर डेबिट कार्ड तो यूज़ करते होंगे भैया, SBI का डेबिट कार्ड अगर नहीं यूज़ करते हैं तो भैया वीडियो छोड़ दो, आपके काम की वीडियो नहीं है। और अगर यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि उसमें SBI रिवॉर्ड मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर और एक बात आती है कि इंडिया के मेजॉरिटी यूजर्स को, जो भी SBI के ATM के कार्ड होल्डर हैं, डेबिट कार्ड के कार्ड होल्डर है, उन्हें मालूम ही नहीं कि भैया हमें कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं। मेरे फैमिली के या मेजॉरिटी लोग को पता ही नहीं कि इस पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अरे भैया, साल भर में ना भी तो 100, 200 या 300 आपके ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करता है, इतना ज़्यादा अमाउंट का आपका रिवॉर्ड पॉइंट हो जाता है। ज़्यादा अमाउंट नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा खासा है कि भैया एक रिचार्ज तो कर सकते हैं एक महीना का। तो दोस्तों ये चीज़ लोग नहीं यूज़ करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जो लोग यूज़ करते हैं वो लोग क्या मिस्टेक करते हैं, और यही एक मिस्टेक मैंने भी की है जिससे ना भी तो मुझे 100-200 रुपये का घाटा हुआ है। अब दोस्तों उसी मिस्टेक के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। अब दोस्तों आप तो सोचेंगे ठीक है यार, मेरा तो SBI रिवॉर्ड आता है, मतलब रिवॉर्ड आता है, मैं देखता भी हूँ, रिचार्ज भी करता हूँ, जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आता है मैं यूज़ भी करता हूँ, एक्सपायर नहीं होने देता हूँ, तो भैया गलती क्या हम करते हैं? तो बता रहा हूँ ना भाई, उसी के लिए तो वीडियो बनाया हूँ। तो उसे जाने के लिए वीडियो पूरा देखेगा। मैं आशुतोष, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं लगभग पिछले 1 सालों से SBI का अकाउंट होल्डर हूँ, और उसी के साथ साथ मैं डेबिट कार्ड भी होल्ड करता हूँ, डेबिट कार्ड भी यूज़ करता हूँ, और मतलब यूज़ ही नहीं करता हूँ, एकदम रेल के यूज़ करता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता हूँ, लगभग हर एक दो दिन के बीच में ही मेरा ट्रांजेक्शन हो जाता है, 1 या 2 ट्रांजेक्शन भी हो जाता है, और वो भी हाई ज़्यादा अमाउंट का होता है, मतलब 400-500 या उससे ऊपर का अमाउंट का होता है। तब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि आपको इन सारे ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब मेरा नॉर्मल डैशबोर्ड दिखा रहा है कि मेरे इतने पॉइंट्स हैं अभी, और उस मतलब पॉइंट्स का वैल्यू दिखा रहा है, कितना वैल्यू है। तो यहाँ पर तो दोस्तों मेनली मेजॉरिटी कस्टमर बस इतने देखते हैं, ठीक है मेरा इतना पॉइंट्स है, अब इसका कुछ रिचार्ज वगैरह कर लेता हूँ, ज़्यादा अंदर घुसा घुसी नहीं करते। अब दोस्तों देखिए, मैंने जब इसका पासबुक खोला, आप मेरा पासबुक देख सकते हैं, जब मैंने इसका पासबुक खोला तो आप भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मुझे सिर्फ योनो कैश और मतलब नेट बैंकिंग से पैसे मिला। दोस्तों नेट बैंकिंग से मैं एक्चुअली मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से पेमेंट भेजता हूँ अपने दूसरे अकाउंट में, पर मंथ अपने आप कट जाता है, तो उसके लिए भी पैसे दिए जाते हैं। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपको भी चाहिए कैशबैक तो आप ऐसा कर सकते हैं। तब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि मुझे डेबिट कार्ड का एक बार भी पैसा नहीं मिला जब से अकाउंट मैंने खोला है। तब दोस्तों ये चीज़ पता नहीं आप ध्यान देते होंगे कि नहीं देते होंगे, लेकिन ये एक प्रॉब्लम फेस की जा रही है SBI के रिवॉर्ड ऐप में। अब दोस्तों यही था मेरा एक अपडेट जो कि मैं आपको देना चाहता था, कि आप भी एक बार इस चीज़ को ज़रूर चेक करें। मैंने इस चीज़ के लिए क्या किया, मैं सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जब मैंने देखा कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने उसी टाइम SBI रिवॉर्ड्स में कॉल किया, कॉन्टैक्ट किया, आप उसका नंबर देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको भी प्रॉब्लम फेस ही जा रही है तो। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने तो भैया कॉल किया, उन्होंने बताया कि अरे यार तुम पॉइंट नहीं दे रहे हो, मतलब क्या ये क्या मतलब मजाक है। तो उन्होंने बोला कि अरे सर माफ़ कीजिएगा, गलती हो गया, थोड़ा सा मुँह इधर उधर निकल जाता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है सर, हमें 7-8 दिन का टाइम दीजिए, ये सब फिक्स हो जाएगा, आपके जो भी पॉइंट्स नहीं ऐड हुए वो ऐड हो जाएंगे। और हालांकि अभी तक 7-8 दिन नहीं हुए हैं तो इसीलिए अभी तक पॉइंट्स आए नहीं हैं, हालांकि धीरे धीरे कुछ कुछ अपडेट हो रहे हैं। 1-2 पॉइंट्स मैं देख रहा हूँ कि जो इधर उधर के जो मुझे नहीं मिले थे बहुत, मतलब 5-6 महीने पहले के पॉइंट्स, वो सब अभी आ रहे हैं। तो दोस्तों इस मेरा मेन मोटो यही था कि आपको भी अपडेट दे दूँ इस चीज़ के बारे में। हो सकता है कि अब दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा किया था, मतलब 1 सालों में ना भी तो मतलब 1 लाख रुपये से ऊपर का ट्रांजेक्शन किया था, तो उस पर आप सोचिए कि मुझे कितना ज़्यादा कैशबैक मिला हुआ, और वो कैशबैक मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों हो सकता है कि यार मेरे जैसे कई सारे और कस्टमर हैं जो कि इस चीज़ को यूज़ ना करते हों। दोस्तों मेरा यही मोटो था कि उन लोगों को भी बताया कि भैया आप भी ये चीज़ चेक कर लो, पासबुक चेक किया करो, जो ट्रांजेक्शन करते हो एक बार देख लिया करो, इस दिन कोई ये ट्रांजेक्शन किया तो उसको पैसा मिला है कि नहीं, रिवॉर्ड पॉइंट मिला है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप इग्नोर कर देते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं रहता कि 1 साल भर में कितना रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों यही एक वीडियो था आपके लिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब जरूर करना।